ये सच है, लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी, सर अगर किसी भूखे को खाना आज चाहिए, उसे भूख आज लगी है, आप खाना उसको 4 दिन बाद देने वाले हैं, तो सर उस खाने का अहमियत उसके लिए क्या होगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सर। मेरे साथी जो हैं सर, वो इस नौकरी में उनको खाना मिल रहा था या उसी के लिए वो जी रहे थे, ऐसा नहीं है सर, वो इसलिए सुसाइड नहीं कर रहे। वो जो कदम कदम पे उनको लोग कह रहे तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, अरे तुम्हारी वो जो सरकारी नौकरी थी उसका क्या हुआ, सर ये लोगों के जो ताने हैं ना, ये उनको सुसाइड करने के लिए बहुत मजबूर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों उन बच्चों से झेला नहीं जा रहा है, वो झेल नहीं पा रहे हैं इस चीज को सर। हम अच्छे से जानते हैं आपने हमारे लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया हुआ है, और जो करेंगे हमारे हित में करेंगे, आप हमारा जो भविष्य वो खराब नहीं करेंगे। लेकिन सर बहुत हो गया, इतने दिनों तक हमारा जो आंदोलन चला, सब कुछ किया हमने, बहुत शांतिपूर्वक किया हमने, कोई हंगामा नहीं किया सर। उसका परिणाम सर हम आपसे बहुत जल्द चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे जो बच्चे हैं, जो साथी हैं, उनका जो सब्र का बांध है वो टूटते जा रहा है। हमने हमारे ऑलरेडी 2 साथियों को खो दिया, जो कि इस नौकरी के लिए इतना इतना एक्साइटेड थे कि हाँ हमें सरकार ने नौकरी दी है। हमने 7,900 नहीं देखे थे, हम प्राइवेट हॉस्पिटलों से 30-30, 40-40 हज़ार का जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए आए थे, क्योंकि सरकार का ठप्पा ही बहुत होता है इंसान के लिए। हाँ इनका गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आज कदम कदम पे हर कोई पूछ रहा है तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, ऐसे हंसी उड़ा रहे हैं सर। आगे से तो पता नहीं वो कैसे पूछते हैं, पीछे से पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे को अंदर से ये चीजें सोच सोच के खाई जा रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे यही उम्मीद करूंगी कि सर आप जल्द से जल्द हमारे हित में फैसला लें। हम जिस भी नेता के पास जाते हैं, जिस भी आपके किसी भी इंसान के पास हम जाते हैं, वो हमें कहते हैं हाँ आपका काम हो रखा है सर, हो रखा है, खाना बना रखा है, खाएंगे कब, मिलेगा कब सर, बहुत भूख लगी है। बहुत सर, हम बहुत ज्यादा, हम बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं सर, हमसे देखा नहीं जा रहा हूँ सर।